हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के एग्जाम से पहले की तीन ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप इन तीन टिप्स को अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यहां पे बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक के वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि सभी टिप्स आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट आंसर्स नीट एंड क्लियर। तो यहां पे आपको जो भी आंसर्स आप लिख रहे हैं उनको काफी नीटली और क्लियर वे में लिखना है, जिससे कि वो पढ़ते हुए समझ में आ सके। क्योंकि जो आपका कॉपी चेकर होगा उसको अगर आप कोई बहुत टफ लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो चीज समझ में नहीं आ सकती है, या उसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा तो वो आपके नंबर वहां पे काट लेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको यहां पर एग्जाम में आंसर लिखते टाइम पे कोई भी गंदगी नहीं करनी है और ऐसी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है जिससे कि पढ़ करके एक बार में समझ में आ सके और वो एक बार में आपको अच्छे से फुल में से फुल मार्क्स दे सके। यहां पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं, और देखिए कि कितनी क्लीन हैंड राइटिंग है यहाँ पे और किस तरीके से इसी क्वेश्चन को इन्होंने फुल में से फुल मार्क्स दिए हैं। अब टिप नंबर टू है राइट ऑल द आंसर्स। तो यहाँ पे आपको पेपर में सभी आंसर्स अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना हो सके सबके सब आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अगर मान लीजिए कि जहां पे आपको कुछ अगर नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट वहां पर कुछ ना कुछ तो लिख करके आना है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स आपको वहां पर मिल जाए और पूरे में से पूरे नंबर उसमें से नहीं चले जाए। फिर आपको यहां पर एक प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इधर का उधर या उधर का इधर कर देंगे तो आपके यहाँ पे नंबर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले तो एक प्रॉपर ऑर्डर को और सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ में जैसे कि राइटिंग सेक्शन में जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर टेम्पलेट में फॉलो करते हैं, तो इसलिए इन टेम्पलेट्स को, इन स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अभी जो भी आपके पास में आखिरी के दो दिन बचे हुए हैं उनमें इनकी प्रैक्टिस अच्छे से लगा करके जाइए, जिससे कि आप वहां पर भी अच्छा स्कोर कर सके। अब यहां पे हमने दो टिप्स समझ लिया है, आइए आते हैं लास्ट टिप पर, और जो है यहां पर छोटी छोटी टिप्स के फॉर्म में हमें दी हुई है। सबसे पहली है कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। तो क्वेश्चंस को हमें अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में लिखना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम क्वेश्चंस कुछ पढ़ते हैं, समझते कुछ है और लिख के कुछ और आते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है जिससे कि हमारे मार्क्स जो है चले जाए। ये होती है सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स जितनी हो सके उतनी ज्यादा अवॉइड करनी है, और यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके आंसर देंगे तो हमें यहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर एक सेक्शन वाइज सीक्वेंस होता है, तो कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें रीडिंग पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, राइटिंग या लिटरेचर। तो देखिए, वैसे तो आप जो है या तो रिवर्स ऑर्डर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या पहले ऑर्डर में भी, बट मोस्ट आइडियल एक अटेम्प्ट का ऑर्डर होता है, रीडिंग सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर राइटिंग और फिर लिटरेचर। क्योंकि लिटरेचर में क्या रहता है कि थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, रीडिंग और राइटिंग में आप जो है चीजों को थोड़ा सा जल्दी निपटा सकते हैं। इसलिए पहले रीडिंग अटेम्प्ट कीजिए, फिर राइटिंग कीजिए और उसके बाद में लिटरेचर पे आइए। अगर हम बात करें कि लास्ट पेज को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो वो कैसा रहता है कि बहुत ही एफिशिएंट पेज होता है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एक पेंसिल साथ में कैरी कर सकते हैं और एक इरेजर कैरी कर सकते हैं, और लास्ट पेज को हम जो है रफ सेक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। वहां पर जैसे कि राइटिंग सेक्शन के लिए कोई भी अगर हमें टेम्पलेट्स लिखने हैं तो टेम्पलेट्स को उतार लेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। इस तरीके से हमने टेम्पलेट को उतार लिया, और फिर या तो हमें नोटिस का कोई टेम्पलेट लिखना है या जॉब एप्लीकेशन का लिखना है तो वो हम यहाँ पे रफ में उतार करके वहां पे जो भी हमारे पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, अगर कुछ आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं तो उनको रफ वे में नोट डाउन कर लेंगे, और फिर उन्हीं के बेसिस में जो है हम एक्चुअल में आकर के जो भी हमारा क्वेश्चन का ऑर्डर है उस ऑर्डर में आकर के उस क्वेश्चन को जब भी हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वहां से रेफरेंस लेकर के हम उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से विद प्रॉपर वोकैबुलरी, विद प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट पेज है एज अ रफ पेज के तौर पे काफी अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें माइंड में रफ पॉइंट्स आते हैं वो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आपका पेपर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में फिर जो है आपने जैसे कि उन चीजों को पेंसिल से लिखा होगा तो उन चीजों को आप रबर से इरेज कर दीजिए, और अगर आपके पास में बहुत कम टाइम बचता है और अगर आपने गलती से पेन से लिख दिया तो वहां पे आप एक सिंगल कट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे जब भी आप आंसर्स लिखोगे, कोई भी आंसर है रिलेटेड टू आपके पैसेज या आपके राइटिंग सेक्शन से या लिटरेचर सेक्शन से, तो उनमें से जो भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं उनको आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है। इससे क्या लगेगा कि वो जो भी आपने आंसर लिखा होगा वो आपका ब्यूटीफुल लगेगा, और क्या रहेगा कि जो एग्जामिनर है उसको जब वो कॉपी चेक करेगा तो वो यहां पर देख पाएगा कि इन्होंने कीवर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट किया है, तो वहां पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे।
आप एक बार आपका पेपर अगर जल्दी से खत्म हो जाता है टाइम से पहले, तो एक बार आप फटाफट से फिर अपने आंसर्स को रिव्यू कर लीजिए कि कहीं वहां पर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई है, और अगर ऐसी हो गई है तो फिर उसको वहीं पर ही टाइमली बेसिस पर ठीक कर लीजिए। फिर जब भी आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके जो आंसर्स है वो कोई बायस नहीं हो, और उसको आप एक पॉजिटिव एंड पर, पॉजिटिव नोट पर ही खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सभी टिप्स को, इन तीनों टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश के एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इंग्लिश का एग्जाम बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टफ है, चैलेंजिंग है, लेकिन एक्चुअल में वो काफी इजी होता है। अगर स्टूडेंट्स इन टिप्स को ध्यान में रख करके प्रॉपरली इन चीजों को एग्जाम में फॉलो करके आए, स्पीड को मेंटेन करें, तो वो टाइम से पहले एग्जाम को खत्म करेंगे और बहुत सही तरीके से एग्जाम को फिनिश करेंगे, और साथ ही साथ उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जाम में मिल पाएंगे। तो बस इन चीजों को ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का और इन टिप्स का बेनिफिट मिल सके। और ऐसे ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार ला रहे हैं। तब तक के चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।